देन है फौजी लवर्स, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार फौजी का जो गेम है अभी तक उसमें टेडिया मोड क्यों नहीं आया है, इतना लेट क्यों हो रहा है और बैटल मोड भी अभी तक नहीं आया। तो लेट होने का कारण हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम दो तरीके से जानेंगे, पहला विशाल गोंडल सर की तरफ से और दूसरा हम खुद के तरीक़ा से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों फौजी का अभी तक टेडियम और बैटल मोड क्यों नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विशाल गोंडल सर से हमने बात किया था ट्विटर स्पेक्स पे, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे हमने उनसे बात किया था। काफ़ी लंबा बात हुई थी, लगभग 1-2 घंटे। आप पूरा वीडियो देख सकते हो, 14 से 15 मिनट का वीडियो है, हमने कट करके बनाया है, आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हो। चलिए, विशाल गोंडल सर से हमने पूछा था कि सर आखिरकार फौजी का जो गेम है अभी तक उसमें क्यों नहीं आया है, इतना लेट क्यों हो रहा है। टीटीएम को लेकर और बैटल मोड को लेकर हमने पूछा था, तो सर ने जवाब दिया था कि हम इस गेम के बारे में नन एक्सपीरियंस थे। जैसे कि हमने जो गेम के बारे में अनाउंसमेंट किया था तो हमने गेम बनाना तुरंत शुरू नहीं कर दिया था, उस समय हमको इस गेम के बारे में 0 लेवल नॉलेज था। जैसे कि एक फौजी गेम है, वो एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और ऐसा गेम हमने आज तक पहले कभी नहीं बनाया, जिसके कारण हमने जब गेम का अनाउंसमेंट किया था तो उसके 1-2 महीने तक हमने गेम को बनाने का सीखा है। उसके बाद हमने गेम को बनाना शुरू किया है और उसके कारण गेम को जो है वो डिले हुआ है। दूसरा कारण सर ने बताया था कि बीच में जो है वो कोविड आ गई थी और उसके कारण एक लॉकडाउन भी हो गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो घर पे फंस गए थे और ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण काम हुआ नहीं, और उस कारण से भी जो है फौजी गेम का टीडीएम और बैटल मोड में काफ़ी टाइम लग गया है। तीसरा कारण में सर बताए हैं कि फौजी जो गेम है वो एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है, जिसमें बहुत सारा घना काम होता है, बहुत सारे लघु काम होते हैं, जो बहुत बड़ा काम करने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा घना काम है, जिसके कारण जो है इस बनने में बहुत सारा काफ़ी टाइम लगा और इसी के कारण टीडीएम और बैटल मोड डिले हुआ है। जैसे उन्होंने ये भी एग्जांपल लिया है कि जस्ट लाइक अगर हम पबजी के बारे में बात करें तो पबजी में जैसे पबजी भी एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है, उसमें जैसे हम लोग फायर वगैरह करते हैं तो उसमें जैसे एक स्मोक होता है या हवा, उसके इस पार से उस पार गोली चली जाती है फायर करने पर, लेकिन वही दीवार के इस पार से उस पार नहीं जाता है, उसमें बहुत सारे एनिमेशन होते हैं, गन्स एनिमेशन होते हैं, बहुत सारे गन होते हैं, तो उन सभी को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और इसी कारण से फौजी के टेडियम और बैटल मोड आने में टाइम लग रहा है। तो ये थी विशाल गोंडल सर की बात, उन्होंने ट्विटर स्पेक्स पे बताया था कि इन सभी कारण से अभी तक भी फौजी का टीडीएम और बैटल मोड नहीं आ पाया है, लेट से आगे क्या होता है। दूसरी बात, अब हम अपने तरीक़ा से बात करेंगे टेक्निकल तरीक़ा से कि आखिरकार अभी तक इसका बैटल मोड या टीडीएम क्यों नहीं लाया गया है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड है अनाउंसमेंट होते ही, बहुत सारे यूजर्स जो आ गए थे, और अभी तक इसमें रेडियो मोड या बैटल मोड नहीं दिया गया। सवाल जवाब पूछने पे सर इग्नोर कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या है कारण वो हम आपको बता दें कि बहुत बार ऐसा होता है कि गेम को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। ऐसा होता है टेक्निकल नॉलेज में कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को हाइड रखेंगे, जितना ज़्यादा गेम की पॉपुलरिटी बढ़ती है, जिसके कारण जो यूज़र्स होते हैं वो और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं गेम को खेलने के लिए, और इसी के चक्कर में जो है फौजी गेम का अभी तक जो गेम आप देख सकते हो रेटिंग प्ले स्टोर वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, पर अब जल्दी ही गेम जो है टेडियम आ जाएगा। दूसरी बात करें हम अगर टेक्निकल तरीक़ा से, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। विशाल गोंडल सर का कहना है कि जो काम है फौजी का वो एक बैटल जो गेम बनाना होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत कुछ करने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने आपको पबजी का एग्जांपल लेके बताया है, और गेम को है वो काफ़ी मॉडर्न बनाया जा रहा है, जस्ट लाइक अभी जो पबजी का ज़माना है, पबजी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसने काफ़ी अच्छा गेम बनाया है, तो वैसा गेम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क तो करना पड़ता है। तो ये कुछ कारण है जो विशाल गोंडल सर की तरफ से और हमने अपने तरफ से भी बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और फौजी का जैसे ही गेम प्ले वगैरह आता है हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।